जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आप अगर आपका खाने पीने का प्रोडक्ट जोमैटो स्विगी पे सेल करना चाहते हैं तो वो आपको एक अकाउंट बनवाना होता है, और वो अकाउंट बनवाने के लिए आपको कौन कौन सा गवर्नमेंट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की जरूरत होता है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जानते ही होंगे, आपका अगर किसी भी टाइप का होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, फास्ट फूड सेंटर है, या फिर आप घर पे खाना बना के होम किचन है, अगर आप जोमैटो स्विगी पे सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए जोमैटो स्विगी पे जब आप अकाउंट बनाएंगे, सेलर अकाउंट, तभी आपको कुछ लाइसेंस आपको मांगता है। उनमें से पहला जो लाइसेंस है उसका नाम है FSSAI फूड लाइसेंस, जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसका मिनिमम वैलिडिटी 1 साल के लिए होता है और मैक्सिमम वैलिडिटी 5 साल के लिए होता है। आप जितने साल के लिए अप्लाई करेंगे उतने साल कंप्लीट हो जाने के बाद वो लाइसेंस को आपको रिन्यू करने की जरूरत होता है। तो फूड लाइसेंस कंपलसरी है अगर आप जोमैटो स्विगी पे खाने पीने का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। उसके साथ साथ कोई कोई स्टेट पे GST भी मैंडेटरी फिलहाल कर दिया है जोमैटो और स्विगी ने। पहले GST मैंडेटरी नहीं था, लेकिन फिलहाल कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ये सभी पे GST भी मैंडेटरी कर दिया है, और आपका भी स्टेट पे बहुत जल्द GST भी मैंडेटरी हो जाएगा। तो GST रजिस्ट्रेशन का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। GST आपको 1 महीना में एक बार, नहीं तो 3 महीना में एक बार GST को फाइलिंग करना पड़ता है। तो ये दो लाइसेंस आप अगर जोमैटो और स्विगी पे सेल करना चाहते हैं आपका फूड आइटम, तो आपको कंपलसरी लगता है। और इसके साथ साथ और एक लाइसेंस मैं आपको बोलूंगा लेने के लिए, उसका नाम है ट्रेड लाइसेंस। ये आपका लोकल स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है। आप जो भी एरिया में आप रहते हो वो एरिया का नगर पालिका या फिर नगर पंचायत से ये लाइसेंस आपको मिलता है। ये ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी होता है ये आपका लोकल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यह तो जोमैटो और स्विगी पे अकाउंट बनाने पर नहीं लगता, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे ये लाइसेंस भी आपको लेने के लिए। तो टोटल 3 लाइसेंस हो गया है जोमैटो और स्विगी पे सेल करने के लिए। पहला जो है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, सेकंड जो है GST रजिस्ट्रेशन, नंबर 3rd पे जो है ट्रेड लाइसेंस। तो टोटल ये 3 लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, और ये सभी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में जो ओनर है, जिनके नाम पे लाइसेंस निकालना है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो मैंडेटरी है। अगर आप रेंट पे लेके कोई जगह ओपन किए हैं आपका फूड बिजनेस, तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। लेकिन आप खुद का घर पे खाना बना के सेल करना चाहते हो, या फिर आपका खुद का घर का एड्रेस पे लाइसेंस लेना है, तो वो घर का बिजली का बिल या फिर घर का प्रॉपर्टी टैक्स का बिल देना पड़ेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप पे हमको सेंड करना होगा। आपका ये सभी डॉक्यूमेंट लेके हम आपका ये 3 लाइसेंस अप्लाई और अप्रूव कराने में हम आपका मदद करते हैं। ये सभी लाइसेंस आपको 7 to 10 days, 7 से लेकर 10 दिन के अंदर, जो अप्लाई करते हैं वो जो आप ईमेल आईडी देते हो वो ईमेल आईडी पे PDF फॉर्मेट पे आपको रिसीव हो जाता है, और हम भी आपको व्हाट्सएप पे ये 3 लाइसेंस आपको सेंड कर देते हैं। तो देर किस बात की, जोमैटो और स्विगी पे अगर आपका फूड आइटम सेल करना है और उसका लाइसेंस अप्लाई करना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पे तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारी टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए और आपका लाइसेंस प्राप्त कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।